तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो आज की इस वीडियो में बेथियोन कॉलेज के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इस कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाली है, कोर्स ऑफर क्या क्या होता है, एडमिशन कब से शुरू होगा और कैसा कॉलेज है और सारे चीज़ें हम लोग बात करने के। तो आपको पहले बता दें, ये कॉलेज अफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से और ये एक वुमेंस कॉलेज है। तो जो मेल्स कैंडिडेट हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है, तो फीमेल्स कैंडिडेट के लिए ये कॉलेज है। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, काफ़ी बढ़िया सा कॉलेज है और सारे डिटेल इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेथियोन कॉलेज के वेबसाइट पे चले जाते हैं, वहाँ पे देख लेते हैं एडमिशन कब से स्टार्ट होने वाला है। और इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जल्दी शुरू होगा, पर देख सकते हो आप, आपको भी दिखा देता हूँ। एडमिशन टू बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, सीबीसीएस डिग्री कोर्स फॉर द सेशन 2023-24 अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता एंड नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एडमिशन टू बीए बीएससी कोर्सेज फॉर सेशन 23-24 विल बी पब्लिश्ड शॉर्टली इन कॉलेज वेबसाइट, यानी जल्द ही रिलीज कर दिया जाएगा। तो बने रहिएगा, उसके बाद वो जल्द ही आ जाएगा आपका एडमिशन प्रोसेस। तो इस वीक के एंड तक होपफुली आ जाना चाहिए फॉर्म का, ये फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस, ठीक है। और आपको अच्छा खासा टाइम दिया जाएगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो आइए कोर्सेज के बारे में भी जान लेते हैं, कोर्सेज क्या क्या ऑफ़र होता है। तो आपको सिर्फ ऐसे ही आना है, यहाँ पे देख सकते हो कोर्सेज ऑफर्ड के बाद इस सेक्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो आपको नीचे चलना है और नीचे आने के बाद आप देख सकते हो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में आपको बैचलर बीए में आपको कौन कौन सा स्पेशलाइजेशन करवाया जाता है। बंगाली ऑनर्स है, इंग्लिश ऑनर्स है, हिंदी ऑनर्स है, हिस्ट्री ऑनर्स है, फिलोसफी ऑनर्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, संस्कृत है, वुमेंस स्टडीज़ जनरल है। काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्सेस है। और बैचलर ऑफ साइंस के लिए आपको बॉटनी ऑनर्स है, केमिस्ट्री ऑनर्स है, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, मैथमेटिक्स ऑनर्स है, फिजिक्स ऑनर्स है, साइकोलॉजी ऑनर्स है, स्टैटिक्स ऑनर्स है, जूलॉजी ऑनर्स है। और आपको सर्टिफिकेट में भी आप देख सकते हो डिप्लोमा है, ये यूजी स्टूडेंट के लिए आपको ये तीन कोर्सेज आपको करवाई जाती है। आइए पीजी भी कोर्सेज देख लेते हैं। काफ़ी लोगों को शिकायत रहता है कि यूजी वालों का ही सिर्फ आप बात करते हैं, तो पीजी वालों को भी दिखा देते हैं। बॉटनी में एमएससी कर सकते हैं, बंगाली में एमए कर सकते हैं, इंग्लिश में भी एमए कर सकते हो आप, मैथमेटिक्स में एमएससी कर सकते हो, अप्लाइड साइकोलॉजी एमए एमएससी कर सकते हो, जूलॉजी में भी एमएससी कर सकते हो। तो ये अभी यूजी का प्रोसीजर चलेगा, जब पीजी का आएगा तो पीजी का भी अपडेट दिया जाएगा। तो ये सारी कोर्सेस आपको ऑफ़र करवाया जाती है, ठीक है। तो और भी चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। आपको अगर नोटिस वगैरह देखना है तो कॉलेज के नोटिस वाले सेक्शन पे जाइएगा, तो यहाँ पे आपको नोटिस वाले सेक्शन पे सारी चीज़ें दिखाया जाएगा। तो ये आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सेमेस्टर, ये तो आपको मतलब वो सेमेस्टर वाले हैं उनका ये नोटिस वाला सेक्शन है। तो ये आपका वेबसाइट है कॉलेज का। तो मेन वाले वेबसाइट पे हम लोग आ जाते हैं, ये हमारा मेन वेबसाइट है, यहीं पे सारी चीज़ें मिलेगी आपको। तो ये अगर ये कॉलेज को आप लोग टारगेट करो, काफ़ी अच्छा कॉलेज है और वुमेंस कॉलेज है, काफ़ी बढ़िया कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट रेपुटेटेड कॉलेज है। एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1879 में आपका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, काफ़ी बढ़िया ए प्लस ग्रेड है नैक की तरफ से, रैंकिंग है, रैंकिंग 74 पोजीशन दिया गया, काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। तो आइए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। इनके वेबसाइट पे मैंने काफ़ी चीज़ें खोजा पर मिला नहीं, तो मैं भी बहुत जगह चीज़ें देखा पर मिला नहीं। फिर उसके बाद मैं क्या किया कि एक दो वेबसाइटों से देखा, वहाँ से मुझे प्रॉपर डिटेल मिल गई। तो आप मान के चलना वही ऑन एन एवरेज होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे भी कुछ रिसर्च करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको जो भी डिपार्टमेंट देखना है वो देख सकते हो, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हो। तो आइए फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मैंने रिसर्च किया हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले मुझे इसको सॉरी तो ये आ गया। तो देख सकते हो आप, आपको
कोर्सेस आपको बीएससी के लिए अगर फर्स्ट ईयर की फ़ीस आप पे करोगे तो 1371 फीसेस है। एलिजिबिलिटी 10+2 है, तो आप मान के चलो 10+2 में आपको 50% से अबव रहेगा तो आप एलिजिबल हो जाओगे। पर इसके लिए मेरिट बेस, जाहिर सी बात है मेरिट बेस एडमिशन होगा, तो मेरिट बेस एडमिशन होगा तो कट ऑफ बेस होने वाला है, तो आपको जितने ज़्यादा होंगे उसी के हिसाब से आपका कट ऑफ बनने वाला है। बी ए ऑनर्स के लिए आपका 1181 है, एम ए के लिए 7466 है, एम एस सी के लिए 6561 है। तो ये दोनों तो पी जी है और ये जो यू जी है, तो यू जी के लिए ऑन एन एवरेज इतने ही लेके चलो आप, ठीक है, 1000 से 2000 के बीच में। और एलिजिबिलिटी आप 50% से अबव आपका मार्क्स अगर 10+2 में आ जाते हैं तो आप एलिजिबल हो। तो ये ऑन एन एवरेज आपका होने वाला है। तो यही डिटेल है, बेसिक सा डिटेल है, फिर जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आता है उसको बताया जाएगा और सारी चीज़ें बताई जाएगी, कैसे एडमिशन प्रोसीजर होने वाला है, सारी चीज़ें। जब एडमिशन स्टार्ट होगा तो उसमें आपको ब्रोशर भी रिलीज किया जाएगा, वहाँ पे एलिजिबिलिटी भी बताया जाएगा, तो वो एक प्रॉपर होगा। तो ये ऑन एन एवरेज जो बताया गया ये भी वही होने वाला है, ठीक है। फिर जैसे ही वो रिलीज किया जाएगा तो उसमें भी आपको सारी चीज़ें बताया जाएगा, कैसे फॉर्म फिलअप होगा, क्या क्या प्रोसीजर होने वाला है, वो सारी चीज़ें उसमें बताया जाएगा। तो ये आप लेके चलो, इस कॉलेज को टारगेट करना है तो ये सारी चीज़ें आपके पास रहने चाहिए। और आपको बता दे, अगर आप अभी 2023 में पास आउट हो तो आप ऑनलाइन जो मार्कशीट है उसको डाउनलोड कर लो, उसके बाद आपके पास टेंथ का सर्टिफिकेट हो वो कर लो, आधार कार्ड एक रख लो, फोटोग्राफ और सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आप रख लो, आपको काम आने वाली है, ठीक है। अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी रख लो, अगर जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। अगर आपके पास नहीं है तो अभी अप्लाई कर दो, टाइम दिया जाएगा 20 दिनों का, तब तक आपका 1-2 हफ्ते में बन जाएगा, ठीक है। तो यही था डिटेल इस कॉलेज के बारे में, होप आपको पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में कीजिए या हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है ट्रेवलर्स रफ़ी। चलिए, बाय ऑल ऑफ यू, ख्याल रखिए अपना।